नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। क्वेश्चन इज दैट अ फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एल्टीट्यूड 1.5 किलोमीटर विथ स्पीड 720 किलोमीटर पर आर, पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक गन हमने सेट कर रखा है और इसके जस्ट ऊपर से वो ऐसा पास होता है। फाइटर प्लेन जो है, एक फाइटर प्लेन इसके ऊपर से पास हो रहा है। द स्पीड इज v इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस 720 किलोमीटर पर आर? दिस 720 इनटू 5/18 एंड इट इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, 72 मतलब 20 और 720 मतलब 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो फाइटर प्लेन मूव कर रहा है। एंड द मजल स्पीड, यहाँ से हमने 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बुलेट को फायर किया, तो बुलेट ऐसा मूव करेगा। ओके, और ये फाइटर प्लेन ऐसा जा रहा है, उसको हिट करेगा। कब कब हिट करेगा उसको? जब इस बुलेट ने भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड का ही लिया होगा, दोनों साथ में मूव करेंगे और यहाँ जाके हिट कर देगा वो। सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बुलेट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन या जेट। ओके, जेट की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर ये वर्टिकल के साथ में एंगल अगर उन्होंने पूछा है दिस थीटा, सो दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू यू साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? यू कॉस थीटा। ओके, सो दिस यू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 200, है ना, सेम होना चाहिए, तो ही तो उसको हिट करेगा, तो ही तो उसके साथ साथ चल के उसको पहुंच पाएगा। यू इज इक्वल टू 600 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 200, सो दिस विल कैंसल आउट एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 2/6 मतलब कि 1/3, और ये अप्रोक्सीमेट 19.5 डिग्री होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 19.5 डिग्री होता है, तो इतने एंगल से उसको थ्रो करना पड़ेगा। पर ये ऐसा और ऊपर जाएगा, ये बुलेट ऐसा और ऊपर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द मिनिमम एल्टीट्यूड, है ना, अभी तो वो 1.5, पर 1.5 से और ऊपर वो मूव कर सकता है, मिनिमम एल्टीट्यूड। ठीक है, उसको मिनिमम कितनी ऊपर मूव करना पड़ेगा कि वो उसको हिट नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि उसको इतने एल्टीट्यूड पे मूव करना है कि वो मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा हो, तो उसको हिट नहीं करेगा। आए समझ में? सो द मैक्सिमम हाइट एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पर यहाँ पर थीटा ये फार्मूला हम डिराइव करते हैं 90, यहाँ पर थीटा की जगह हमको 90 माइनस थीटा रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर ये फार्मूले में हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल दिया होता है, पर यहाँ पर हमने वर्टिकल के साथ फाइंड किया, है ना, डिवाइडेड बाय 2g, डिवाइडेड बाय 2g, तो हम लिखेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर हमको पता है, तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, कॉस थीटा का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर इन द ब्रेकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ओके, आगे देखते हैं। तो एच मैक्स हमारे पास आया, यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है 600 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर। ओके,
डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 600 एंड इट विल बिकम 1 - 1/9, तो 8/9, ओके डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये 200 इंटू 3 इसको कैंसिल करेंगे, इट विल बिकम, एक्चुअली इट विल बिकम 3600, है ना, 000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9, सो इट विल कैंसिल आउट 40,000, ओके सॉरी 4,000, सो 8 इंटू 4 विल बिकम 32,000, ओके इट इज एक्चुअली 2G, सो डिवाइडेड बाई 2, सो so this h we are getting 16,000 meter or approximate we can write 16 kilometer, okay, that is the answer. Thank you very much.